नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। बडला स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में पढ़ रहे सीकर के ओम प्रकाश चौधरी को अमित चौधरी नामक छात्र ने कॉलेज के पास स्थित ढाबे पर चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। साथ ही छात्रों ने घायल ओम प्रकाश को बाइक पर बिठाकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटनाक्रम को घटे लगभग 2 घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो कॉलेज प्रशासन ने ही और ना ही पुलिस प्रशासन ने घायल छात्र की कोई सुध ली। काफी देर बाद पहुंचे आदर्श नगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र अमित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के कारणों का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि खेल के दौरान एम्पायर द्वारा दिए गए गलत डिसीजन को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ है। 12-1 बजे के लगभग अपने यहाँ बडला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पर लड़कों में आपस में मारपीट की इतलाही थी। बाद में पता चला कि कोई क्रिकेट मैच के अंपायर के फैसले को लेकर आपस में तनातनी हुई थी, और उसी तनातनी में नागेश चौधरी और अमित नामक दोनों लड़कों ने मिलकर अशोक और ओम प्रकाश के साथ मारपीट की, जिसमें ओम प्रकाश के पेट में चाकू लगा और गहरी चोट थी। अशोक कुमार की रिपोर्ट पर हमने मुकदमा कायम कर लिया है और नागेश चौधरी और अमित दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ कर रहे हैं, आगे जाँच भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य संकुल भवन के पास ड्रग ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी ने अपने साथी कर्मचारी को जातिसूचक शब्द बोलने के विरोध में पेचकस से घायल कर दिया। सोमवार को दिनेश और सत्यनारायण के बीच जातिसूचक शब्द बोलकर बुलाने के बाद पर दिनेश ने सत्यनारायण की जांघ पर लगभग 6 इंच का पेचकस दे मारा। पेचकस पूरा सत्यनारायण की जांघ में जा घुसा। घायल सत्यनारायण को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं जब अंदर था तो उसने कहा लाओ इधर आ, नहीं आओ बाहर आओ। जब हमारे जो इंचार्ज साहब का रूम है वहाँ पर मैं गया तो फिर हमारी बातचीत हो रही थी, फिर उसने एकदम कुछ बोला, हमारी बहसबाजी हो गई। बहसबाजी में एकदम उसने कह क्या हाथ में लेते मार दिया सीधा। क्या नाम है? दिनेश कुमार। सोमवार को पुष्कर में 2 पुरोहित परिवारों के बीच पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा फसाद हो गया। पुष्कर बराहाघाट मंदिर के पास रहने वाले पंडित नारायण मालू ने अपने ही परिवार के रवि अरविंद और रवि की मां पर राह चलते मारपीट का आरोप लगाया। जेएलएन अस्पताल में अपने जख्मों का इलाज कराने आए नारायण ने बताया कि रास्ते में आरोपी रवि और अरविंद ने पाइप और चाकुओं से हमला कर गले से सोने की चेन लूट ली। वहीं पुष्कर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं तो मेरे चाच लेके जा रहा हूँ रोटी खाने, पीछे से आके मार रहे, सारे चाच डूल गए, मेरे कपड़े अपड़े सारे मारे वाले टूट गए, मेरे जाकेटे पैसे सारे वहीं पड़े हैं सब। कैसे मारा तुम? पाइप और चाकू से हमले करे दोनों, मारा? माँ और बेटे दोनों आए। नाम बताओ? उसका नाम रवि है, उसका बाप अशोक है। क्या करता हो? वो चपरासी है स्कूल में। आप क्या करते हो? मैं तो पंडित ब्राह्मण हूँ, मेरे घर जा रहा हूँ। कोई पूजा पाठ का झगड़ा नहीं है भाऊजी, ये तो लूटने का षड्यंत्र था, जान से मारने का षड्यंत्र है, तो बच गया मैं।